बच्चों लास्ट के वीडियो तक हम लोग बात कर रहे थे मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फिल्ट्रेशन, जिसको हमने तीन पार्ट्स में बांटा था। फर्स्ट था अति सूक्ष्म निस्यन, जिसे हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोला। सेकंड था हमारे पास वर्णात्मक अब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव एब्जॉर्पेशन, ठीक है ना। सेकंड था हमारे पास वर्णात्मक अब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव एब्जॉर्पेशन, और थर्ड था हमारे पास स्त्रवण सेक्रीशन। थर्ड हमारे पास था स्त्रवण या सेक्रीशन का प्रोसेस, ठीक है ना। हमने लास्ट तक की वीडियो में देखा, सेक्रेशन को देखा था, और ये टॉपिक जो हमारा चल रहा था मूत्र निर्माण की क्रिया, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ये पूरा हो चुका था। आज का हमारा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ यूरिन, मूत्र का रासायनिक संगठन। केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन, ठीक है ना। केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन हमारा है, हमने बात की थी, एक दिन में यदि बात की जाए तो टोटल जो यूरिन का अमाउंट होता है लगभग 1 से 1.5 लीटर तक 24 आवर के अंदर बॉडी से रिलीज किया जाता है, ठीक है ना। बॉडी से रिलीज किया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा को भी हम लोग है ना बहुत सारे कारकों पर, बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं उन पर डिपेंड करता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, जैसे टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा, एक्सटर्नल टेम्परेचर, यदि एनवायरमेंटल टेम्परेचर अगर ज़्यादा पाया जाएगा तो यूरिन का फॉर्मेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है ना। अगर हम लोग ज़्यादा पानी पिएंगे तो ज़्यादा यूरिन की मात्रा बनेगी। तो ये सारी चीज़ें इस पर क्या होता है, इसका केमिकल केमिकल कंपोजिशन डिपेंड करता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कुल मात्रा, टोटल अमाउंट, ठीक है ना। ये होता है 1 से 1.5 लीटर पर 24 आवर्स, ठीक है ना, 1 से 1.5 लीटर पर 24 आवर्स। फिर सेकेंड नंबर पर आता है विशिष्ट गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो कि आयनों पे इसके निर्भर करती है। 1.015 से लेकर 1.020 तक इसकी स्पेशल ग्रेविटी पाई जाती है। फिर आता है पीएच, इसकी पीएच वैल्यू क्या हो, इसकी पीएच वैल्यू लगभग 4.3 से लेकर 5.7 के बीच तक क्या पाई जाएगी, इसकी पीएच वैल्यू पाई जाएगी, ठीक है ना। फिर बात की जाए इसमें वाटर की मात्रा की, जल की मात्रा की यदि बात की जाए तो लगभग टोटल अमाउंट का हम लोग अगर यदि बात करें, टोटल अमाउंट का यदि हम लोग बात करें तो 96% क्या होगा, वाटर होगा। 96% क्या होगा, यहाँ पे वाटर होगा। फिर बात की जाए यूरिया की, जो कि हमारा मुख्य उद्देश्य था इसको त्यागने का, ये लगभग पाया जाता है 2% से लेकर 2.5% तक, ठीक है ना। और फिर आते हैं इसमें अन्य घुलित ठोस पदार्थ, जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं अदर डिजॉल्व्ड सॉलिड्स, यूरिक एसिड की, क्रिएटिनिन की, यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड, ठीक है ना, क्रिएटिनिन, ठीक है ना। फिर बात की जाए यदि सेकेंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे तो हो गए ऑर्गेनिक सॉल्ट्स में, ठीक है ना।
हम बात करें यदि अकार्बनिक लवण की, अकार्बनिक लवण, इनऑर्गेनिक साल्ट्स की यदि बात की जाए तो इसमें पाया जाता है हमारे पास सोडियम, जिसे हम लोग Na+ से भी शो कर सकते हैं, ठीक है ना, पोटेशियम, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड भी इसे बोल सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, सल्फेट SO4-2-, सल्फेट फॉस्फेट और बाइकार्बोनेट ETC, ठीक है ना, ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं, इसमें पाए जाते हैं। अब यदि बात की जाए इसके कलर की, तो कलर जो होता है इसका येलो कलर पाया जाता है, क्योंकि यूरिन का ये होता है एक पिगमेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर, यूरोक्रोम, क्या होता है, यूरोक्रोम। इसका निर्माण हमेशा होता है जो कि हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है इसके टूटने से इसका निर्माण होता है यूरोक्रोम का। इसके कारण यूरिन का रंग क्या होता है, पीला पाया जाता है, ठीक है ना। मूत्र का, ये इसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल में देख चुके हैं वैसे, मूत्र का पीला रंग रंजक पिगमेंट यूरोक्रोम, यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण, उपस्थिति के कारण होता है इसका निर्माण, हीमोग्लोबिन के यकृत, लिवर में टूटने से, इसका निर्माण होगा, ठीक है ना। ये तो हो जाता है आपका एक जो केमिकल कंपोजिशन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। फिर हमारे पास एक टॉपिक आता है कि ये जो यूरिन का फॉर्मेशन है इसको रेगुलेट किस किस फैक्टर के द्वारा किया जाए, ठीक है ना। मूत्र निर्माण का नियंत्रण, रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है ना। इसको हम लोग दो प्रकार से क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। पहला होता है नर्वस सिस्टम के द्वारा, और सेकंड होता है हार्मोन के द्वारा, ठीक है ना। तो फर्स्ट इसमें देखा जाए तो तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रण, ठीक है ना। नर्वस कंट्रोल, ठीक है ना। तो तंत्रिका तंत्र में यदि हम बात करते हैं तो ये सारा का सारा नियंत्रित होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है। इसमें क्या होते हैं, केंद्रीय सेंट्रल नर्वस सिस्टम से किडनीज को क्या होती है, इम्पल्स प्राप्त होते हैं, इम्पल्स सर्कुलेट आते हैं, इम्पल्स प्रसारित होते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, रीनल वेसल जो होती है वृक्क वाहिका का जो डायमीटर होता है ये क्या होने लग जाता है, फैलने लग जाता है, चौड़ा होने लग जाता है, ठीक है ना। और केशिका जो गुच्छ होता है ग्लोमेरुला जैसे हम लोग बोलते हैं, उसकी सतह के द्वारा, और जो
समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है, या कह सकते हैं मूत्र नलिका जो होती है, यूरिन ट्यूब्यूल होती है, इसको जो एपिथीलियल सेल्स होती हैं ये क्या करने लगाती हैं, तत्वों के अवशोषण को, अवशोषण का कार्य करने लग जाती है, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र में सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इसको प्रभावित करता है। मूत्र निर्माण की क्रिया, मूत्र निर्माण की क्रिया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम द्वारा द्वारा नियंत्रित के द्वारा नियंत्रित की जाती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तंत्र वृक्कों को संवेदनाएं प्रसारित करते हैं। संवेदनाएं होती है इम्पल्स, ठीक है ना, संवेद नए प्रसारित करते हैं तंत्रिका तंत्र द्वारा, प्रसारित तंत्रिका तंत्र द्वारा प्रसारित संवेदनाएं वृक्कीय वाहिनियों द्वारा, वृक्कीय वाहिनियों रीनल वेसल्स द्वारा तंत्रिका तंत्र प्रसारित संवेदना वक्के वाहिनियों के व्यास को, के व्यास डायमीटर को फैलाने का, फैलाने एक्सटेंशन का कार्य, फैलाने का कार्य करती हैं, जिससे केशिका गुच्छ, जिसे हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं, जिससे ग्लोमेरुलस की सतह वह मूत्र नलिका, अभी मूत्र नलिका को हमने बात की है, यूरिन ट्यूबुल की हमने बात की है, ये होती है समीपस्थ कुंडलित नलिका से लेकर संग्रह नलिका तक, ठीक है ना। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल टू टू कलेक्टिंग ट्यूब्यूल तक, ये यूरिन यूरिन ट्यूब्यूल वृक्क नली मूत्र नलिका पाई जाती है, कि सतह व मूत्र नलिका की उपकला कोशिकाओं एपिथीलियल एपिथीलियल सेल्स कोशिकाओं के अवशोषण की के अवशोषण की क्रिया को प्रभावित करती है। इससे मूत्र निर्माण की क्रिया प्रभावित होती है, ठीक है ना।
हमने मुख्य रूप से देखा है तंत्रिका तंत्र में भी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र क्योंकि तीन प्रकार का होता है, हम लोग पढ़ते हैं केंद्रीय तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल सेंट्रल नर्वस सिस्टम फर्स्ट, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, फिर सेकंड नंबर पे आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, थर्ड नंबर पे आता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। इसमें से जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है इसके द्वारा क्या बोल भेजे जाते हैं, इम्पल्स भेजे जाते हैं कहाँ पे, रीनल वेसल्स में, ठीक है ना, वृक्क की जो वाहिकाएँ होती हैं उसमें, जिससे कि जो ग्लोमेरुलस होता है कोशिका का कुछ होता है, इसका डायमीटर बढ़ जाता है, डायमीटर बढ़ जाता है, और इसकी जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं यूरिन ट्यूब्यूल की, ठीक है ना, मूत्र नलिका की, इसकी जो एपिथेलियल सेल्स हैं ये क्या करने लग जाती है, एब्जॉर्पेशन का वर्क करने लग जाती है, इससे फाइनली किसका, यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।